हल्द्वानी में गेस्ट टीचर ने नियुक्ति की मांग को लेकर उच्च शिक्षा निदेशक के दफ्तर में बाहर धरने पर धरना दिया। गेस्ट टीचर के निदेशालय के अधिकारियों पर मनमानी ढंग से नियुक्ति करवाने का आरोप लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके साथ के गेस्ट टीचर की नियुक्ति हो गई लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शनकारियों ने अनशन की चेतावनी दी। हालांकि उच्च शिक्षा निदेशक ने गेस्ट टीचर को नियुक्ति का भरोसा दिया है। वहाँ से मेरा कार्य मुक्ति की गई। उसके बाद मैं 5 महीने से परेशान हूँ। 5 महीने से मैं डायरेक्टरेट में फ़ोन भी करती हूँ, आई भी हूँ कई बार, तो ये लोग अभी तक हमारा समायोजन का कोई चल ही नहीं रहा। वो बोलते हैं कि शासन से आपका होगा, जबकि जो पहले हमारे साथ 17 लोगों का हुआ है उसके लिए भी किसी तरह का कोई आदेश नहीं आया था। हमारे लिए ही केवल 8 या 9 लोग हम हैं, उन्हीं के लिए वो आदेश की बात कर रहे हैं। तो अब हमारा कहना ये है कि या तो आप हमें इन कीजिए जैसे उन लोगों का हुआ है, अदरवाइज तो आप इनको भी कैंसिल कीजिए, सबका एक साथ होगा। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि आपके लिए शासन से अनुमति मांगी जाएगी। तो इन लोगों के लिए हमारा कहना ये है कि जो ये 17 लोग थे, जब इनके लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई तो हम क्या हैं? ये भी तो हमारे साथ के थे। जब इनको इनके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं थी तो ऐसा क्यों है कि हमारे लिए अनुमति की आवश्यकता है? कॉलेजों में जगह खाली पड़ी है, हमारा ट्रांसफर किया जा सकता है, पहले भी ऐसा शासन आदेश आया है। और हमारे कुछ साथियों का तो समायोजन डायरेक्टर साहब ने कर दिया है लेकिन हमारा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम परेशान हो गए। 1.5 महीने से परेशान हम, रोज चक्कर लगा के यहाँ हो गए हैं, इसलिए आज बैठे हैं कि हमारा समायोजन किया। शासन बात हुई मेरी, वो कह रहे हैं कि इनका कर रहे हैं, इनकी फाइल चली हुई है ना इनका, तो इनका हो जाएगा जल्दी। ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, वाली बात नहीं है। कब तक उम्मीद है सर, क्या हो जाना जल्दी? शीघ्र इसमें कोई पहच नहीं होने वाला, फाइल चली हुई है, जल्दी होने वाला है। उनका क्लियर था ना, तब किया गया, उनका क्लियर मामला था, पद दिखते थे, पद क्लियर थे तब हुए, इनके क्लियर नहीं था तब नहीं हुआ। अब खाली थोड़ी कर देंगे कहीं पर, जब क्लियरिटी होगी तभी तो क्या जाएगा कहीं पर।